दोस्तों फाइनली एक लोडिंग मिल गया है 3 दिन बाद। एक पार्टी का कॉल आया था, हम उसके लोड जो है वो भरने के लिए जा रहे हैं। तो ये हमारा गांव का गेट था, यहाँ से आगे जाएंगे विरसत चौकड़ी की ओर। आगे आपको दिखाते हैं, तो ये भाई अभी गाड़ी निकल रहा है, उनको रोक रहा है वो। अब भाई तो निकल जा पहले, बाद में हम चले जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से अब चलते हैं, आगे चलेंगे तो आगे फिर से चौकड़ी आएगी। तो ये फाइनली फिर से चौकड़ी आ चुकी है अभी, देखिए। तो यहाँ से हमको जाना है राइट, तो फाइनली अब हम आ चुके हैं विरसा चौकड़ी पे। यहाँ से राइट जाएंगे, खंबात वाला हाईवे आ चुका है अभी। यहाँ से राइट जाएंगे, हाईवे पर चल चुके हैं अभी। देखिए हाईवे अभी अभी नया बना है, 4 लेन हाईवे है। तो ये हमारे गांव का पेट्रोल पंप आ चुका है अभी, देखिए पेट्रोल पंप। तो अब थोड़ा आगे जाके हमको लेफ्ट साइड जाना है, वहाँ से ही लोडिंग करना है हमको। तो बस अब हम पहुँचने ही वाले हैं। तो ये गाड़ी निकली है, उधर ही हमको जाना है। तो यहाँ से हमने लेफ्ट ले लिया है यहाँ से। तो फाइनली हम लोडिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं अभी, यहाँ से ही हमको लोडिंग करना है। तो यहाँ पर हमने लोडिंग करने के लिए गाड़ी खड़ी कर दी है, यहाँ से ही लोड होगा सामान। लोडिंग करके यहाँ से अब वापस निकल जाएंगे। ये देखो गाड़ी का नज़ारा, ये हमारी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। तो फाइनली अब हम लोडिंग करके यहाँ से निकल चुके हैं, हम जाएंगे खंभात की ओर। हमको विरसत से बामनवा जाना है। तो ये आ गई विरसत चौकड़ी, यहाँ से हम सीधे ही जाएंगे अभी। तो हमने विरसत चौकड़ी को क्रॉस कर लिया है यहाँ पर, और सीधे ही जाएंगे। दोपहर का टाइम है, बारिश का सीज़न नहीं चल रहा है, पर बारिश नहीं आ रही है। और हम पहुंचने वाले हैं अभी खुड़ियारपुरा पे। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करें, देखिए, क्योंकि आप देखते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो अभी हम सफ़र में ही है, कंटिन्यूस चालू है सफ़र हमारा। हाईवे नया बना है इसीलिए बहुत बढ़िया रास्ता है। तो ये अब हम खुड़ियारपुरा आ चुके हैं अभी, यहाँ से सीधे जाना है हमको। तो फाइनली अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमको ये लोड खाली करना है।
खाली करने के लिए यहाँ पर हमने गाड़ी लगा दी है। और ये हाईवे का नज़ारा देखिए दोस्तों, हाईवे के बगल में ही हम खाली कर रहे हैं। बड़ा ट्रक जा रहा है यहाँ से, अरे हमारी गाड़ी खड़ी है, तो यहाँ से खाली करके फटाफट वापस चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम खाली करके वापस घर की ओर निकल चुके हैं। तो अभी यहाँ से आगे जा रहे हैं। हाईवे का नज़ारा देखिए आप, तो ये सामने पेट्रोल पंप दिख रहा है। हमको अभी यहाँ से डीजल नहीं भरवाना है, हमारी गाड़ी में डीजल फुल है। तो यहाँ से सफ़र में बने रहे हमारे साथ, और वीडियो देखते रहे। तो ये अब हम किसानपुरा पे आ चुके हैं यहाँ पर। हाईवे बनाए पर यहाँ पर अभी एक गड्ढा रह चुका है, अब यहाँ से सीधे चलते हैं। तो एक पार्टी मेरे साथ आई थी, जो हमारा कस्टमर है, उन्हें कॉल किया था, वो हमारे साथ आए थे, तो उनको अभी छोड़ने जाना है। तो उनको पहले छोड़ देंगे, बाद में हम घर पर चले जाएंगे। सफर में बने रहिए दोस्तों, आगे आपको दिखाते हैं। तो ये बड़ी कंपनी के पास हम आ चुके हैं, और ये किशनपुरा है यहाँ पर। तो फाइनल किशनपुरा हमने क्रॉस कर लिया है, अभी यहाँ से सीधे ही चले जाना है, हाईवे छोड़ना नहीं है अभी। तो भाई साहब, ये पार्टी को छोड़ के हम वापस घर की ओर निकल चुके हैं। फिर से चौकड़ी पे वापस आ चुके हैं, यहाँ से हमको रॉन्ग साइड जाना है, क्योंकि हमारे घर के बाजू में हाईवे वालों ने रास्ता नहीं दिया, इसीलिए हमको हर बार रॉन्ग साइड जाना पड़ता है। तो ये भाई तुम लोग निकल जाओ पहले। तो बाइक वाला जा रहा है, गाड़ी गाँव की ओर जा रही है। ये भाई तू भी निकल जाए यहाँ से। तो हमने अभी विरसा चौकड़ी को क्रॉस कर लिया है, घर की ओर जा रहे हैं। रॉन्ग साइड जाना बुरी बात है, पर रास्ता नहीं, इसलिए हमको मजबूरन में जाना पड़ता है। रॉन्ग साइड जाने में कभी अकस्मात हो जाता है। तो यहाँ से हम अभी राइट जाएंगे घर की ओर। तो यहाँ से हमने राइट ले लिया है, अभी छोटी सी सड़क है हमारे घर के बाजू में। तो हम घर के लिए अभी निकल पड़े हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों रास्ता कैसा है, बहुत जगह पर यहाँ पर टर्न दिए गए हैं। तो ये मेरी बेटी सामने खड़ी है, छोटी और बड़ी।
फाइनली अब हमने खाना बाना खा के घर से गांव की ओर निकल पड़े हैं। हम लोडिंग पॉइंट पर जा रहे हैं गांव में। तो ये देखिए रास्ता हमारा, अभी दोपहर के 3 बजे हैं। देखिए ऐसे सामना हमारे खेत है सभी। यहाँ से अभी आगे ही जाना है, तो यहाँ पर देखिए खेत का नज़ारा। देखो ये खेत कैसे दिख रहे हैं, चावल की खेती है यहाँ पर सभी। देखिए सामने खंबात वाला हाईवे दिख रहा है यहाँ से। देखिए सामने यही हाईवे है जहाँ से हम चलते हैं, हमारे घर के बगल में ये हाईवे है। फाइनली अब हाईवे पर हम आ चुके हैं। देखिए यहाँ का नज़ारा, आगे जाके हम गांव की ओर जाएंगे, इसीलिए हमको राइट जाना है। तो फाइनली हम विरसा चौकड़ी पर पहुंच चुके हैं, यहाँ से जाएंगे राइट। तो अब हम आ चुके हैं, यहाँ से राइट टर्न ले लेंगे। तो यहाँ से हमने राइट ले लिया है अभी। आगे गांव की ओर चलते हैं। दोपहर का टाइम है इसलिए साधन रोड पर बहुत दिख नहीं रहे हैं। तो फाइनली हम गांव में आ चुके हैं, गांव का मेन गेट दिख रहा है यहाँ से। गेट के अंदर से हम निकल जाएंगे। ये देखो मेन गेट विरसत का, ये गेट है यहाँ का, अभी अभी नया बनाया है। ये स्वामीनारायण मंदिर है और ये हमारे गांव का बड़ा तालाब आ चुका है यहाँ पर। देखिए तालाब बहुत बड़ा तालाब है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहाँ से। देखिए बहुत बड़ा तालाब है। तो बारिश के सीजन में यहाँ पर देखो ये टूट गया था, तो अभी तक नया नहीं बनाया गया है। तो फाइनली हम गांव में आ चुके हैं। मेन पानी की टंकी है यहाँ पर जहाँ से सभी गाँव में पानी जाता है। अरे बाजू में रणछोड़ जी का मंदिर है, देखो ये मंदिर। ये भाई बीच में ट्रैक्टर लेकर खड़ा है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं, यहाँ से थोड़ा लेफ्ट जाएंगे, बाद में लोडिंग पॉइंट आ जाएगा, वहाँ पर गाड़ी रख देंगे। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।